अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज कार अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टी सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, और ये ज़रूरी क्यों था मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ। तकरीबन ये कोई एक डेढ़ माह के अंदर मैं बहुत सारे लोगों को ये सेटिंग इंडिविजुअली तौर पर बता बता के थक चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऑल इन वन वीडियो बनाऊँ जिसमें चाइना का ब्रांड V380 एप्लीकेशन पर जो कैमराज वायरलेस चलते हैं उनको कॉन्फ़िगर कैसे करना है मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, और सेटिंग कैसे करनी है। तो मैंने सोचा है एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं कि आप जो भी कैमरा बाय करें V380 ब्रांड का, वो आप इस वीडियो को देख के खुद से कॉन्फ़िगर कर सकें। ये वीडियो बनाने का एक और मकसद भी था, और ये और मकसद ये है कि जिन लोगों को मैंने ये सेटिंग बताई है रिसेंटली, उनमें से बहुत सारी मेजोरिटी इन लोगों की है जो ऑनलाइन दराज या किसी और स्टोर से कैमरा मंगवा लेते हैं वायरलेस V380 ब्रांड का, और उसके बाद होता क्या है कि कैमरा जब उनको डिलीवर होता है वेंडर रिस्पॉन्ड नहीं करता और कैमरे की सेटिंग इनको आती नहीं है, ठीक है, और कैमरा जो है वो फिर इसी तरह एक डिमी सी बनकर रह जाता है क्योंकि कॉन्फ़िगर ही नहीं करना आता, ठीक है ना। या फिर वो किसी इंस्टॉलर को बुलाते हैं, उसे 1000-1500 रुपया वो लेता है इनसे, और फिर इनकी सेटिंग करके जाता है, फिर कभी कोई इशू आएगा फिर उसको इंस्टॉलर को बुलाएंगे। तो मतलब कि इन झंझट से जो है ना वो बचने के लिए मैं आपको ये आज की वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से इसे कॉन्फ़िगर कर सकें, और ना आपको किसी वेंडर से मिनतें उनकी करनी पड़े, ना और जो है वो आपको किसी इंस्टॉलर की ज़रूरत पड़े या किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े। आप खुद से ये वीडियो देखें और खुद से जो है वो इसकी सेटिंग कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जो नए आने वाले दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ एक बेल का आइकन भी लगा होता है उसे भी आपने प्रेस करना है अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलें जी, जल्दी से हम अपनी मोबाइल सेटिंग की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने अपने प्ले स्टोर में जाना है, और यहाँ पे आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है V380, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो V380 करेंगे, जो एप्पल यूज़र हैं वो V380S या V380 Pro कर सकते हैं एप्पल स्टोर से। तो मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको दिखा देता हूँ, ये एप्लीकेशन पढ़िए। लेकिन अब आपने जो सेकंड स्टेप है आपका ये है कि आपने कैमरे को ऑन कर लेना है। कैमरे को पावर देने के बाद आपने अपने वाईफाई में जाना है, और यहाँ पे आपको कैमरे के सिग्नल शो होंगे, जिसे शो हो रहे हैं MV53, इस तरह के जितने भी V380 के कैमराज हैं सबके सिग्नल ऐसे ही कोड और MV से स्टार्ट होते हैं। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आपने इसको कैमरे के वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है अपने मोबाइल को, देन आपने इसके बाद एप्लीकेशन में जाना है। जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसा लेआउट आएगा आपके सामने। आपने रजिस्टर नहीं करना, लॉगिन नहीं करना, ठीक है। आपने ऊपर लिखा हुआ है राइट साइड पे टॉप पे ट्राई विदाउट एन अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना है, और देन एक मैसेज आपको शो होगा और जो लिखा होगा कंटिन्यू और रजिस्टर, आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो कुछ ऐसी होगी जिस पे कुछ भी आपको यहाँ शो नहीं हो रहा होगा, ब्लैंक स्क्रीन होगी। मैंने क्योंकि ऑलरेडी ये कैमरा शो कर रहा है, आपके यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन होगी। आपने अब क्या करना है, आपने इसकी स्क्रीन के ऊपर फिंगर रख के थोड़ा सा इसको स्लाइड करना है, जैसे ये मैंने स्क्रीन स्लाइड की नीचे को, ऊपर आप देख सकते हैं लोडिंग हुई, और नीचे मुझे ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ गया। अब मैंने इसको ऐड डिवाइस पे क्लिक कर देना है, और एक विंडो न्यू बनी हुई मेरे सामने आ गई है। ये अब उस कैमरे की विंडो है जो अभी आपने कैमरा लगाया होगा, ठीक है। अब वो होना क्या है कि आपने इस कैमरे को जब प्ले करना है तो इसने आपको कहना है कि पासवर्ड सेट करें। आपने सेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नीचे जो मैसेज एक दिया गया है इसको आपने जहन में रख के पासवर्ड लगाना है। जिस तरह के आपके 8 से 40 करेक्टर होने चाहिए, ठीक है, पासवर्ड के मिनिमम 8 करेक्टर होने चाहिए, और इसके अंदर आपके करेक्टर नंबर लोअर केस लेटर अपर केस लेटर और स्पेशल करेक्टर मिक्स होना, इसका पासवर्ड जो है इसका मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक इधर पासवर्ड लगाता हूँ, लाइक कैपिटल DMIN123@ आप ये दे सकते हैं, मैंने ये मिक्स करके लगाया है एक पासवर्ड, कैपिटल लेटर भी हैं, लोअर केस भी हैं, इसमें नंबर्स भी हैं, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी डाल दिया है। तो इसी तरह आपने इसको
123 एंड ऐड, ठीक है। ये कन्फर्म पासवर्ड मैंने लगा दिया और नीचे मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आपके कैमरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये कैमरा आपका चल पड़ा है, इसमें अब आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ कैमरे के डिफरेंट फीचर्स हैं एप्लीकेशन के अंदर, वो आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने आपको चलाना बता दिया कि आप उसको चलाना कैसे है। यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शन शो होंगे। रीप्ले में जाएंगे तो मेमोरी कार्ड अगर आपने लगाया होगा तो वो रीप्ले में जाके आपको उसकी रिकॉर्डिंग शो करेगा। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे करेगा शो। यहाँ पे जब थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद नीचे माइक्रो एसडी आपको लिखा नज़र आ रहा है, जब माइक्रो एसडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। क्योंकि मैंने मेमोरी कार्ड इंस्टॉल नहीं किया इस वजह से ये सिर्फ लोडिंग ले रहा है। यहाँ पे आपका भी मेमोरी कार्ड लगाने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा, लेकिन आपने इसे कैंसिल नहीं करना, इसको लोडिंग लेने देना है, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। अब इसके बाद अब नीचे स्पीक है, आप इसको बोल सकते हैं अगर आपका कैमरे के अंदर ये फीचर है तो, और ऊपर आप सुन भी सकते हैं यहाँ से इसको ऑन करके अगर आपके कैमरे के अंदर ये फीचर अवेलेबल होगा तो। रिकॉर्ड का जो ऑप्शन है नीचे, इसका मतलब होता है कि अगर आपने मेमोरी कार्ड के अलावा कोई छोटा क्लिप रिकॉर्ड करना है, या अगर आपने मेमोरी कार्ड डाला ही नहीं है और सिर्फ अपनी मर्ज़ी का कुछ हिस्सा क्लिप सेव करना चाह रहे हैं अपने फ़ोन मेमोरी के अंदर, तो आप उसको क्लिक करेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं राइट टॉप के ऊपर इसकी टाइमिंग चल पड़ी है, और जितना टाइम ये चलेगा वो उतना हिस्से का क्लिप आपके फ़ोन मेमोरी में सेव हो जाएगा। लाइक अभी मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये मैसेज आ गया कि मेरे एल्बम के अंदर ये सेव हो चुका है। इसके साथ स्क्रीनशॉट है, मतलब कि आप स्क्रीनशॉट लेना हो किसी क्लिप का वो भी ले सकते हैं। और जब भी अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये तो था कि आप कैमरे के वाईफाई से कनेक्ट करके इसे चला रहे हैं। अब आपने अपना कैमरा अपने जहाँ भी आप कैमरा लगा रहे हैं वहाँ के वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है, ताकि आप अगर किसी दूसरे शहर भी चले जाएँ या दूसरे कंट्री में भी चले जाएँ तो वहाँ से भी इसे रिमोटली एक्सेस कर सकें, इसे ऑनलाइन देख सकें। उसके लिए आपने क्या करना है, आप ये देख सकते हैं कि ब्लू साइन एक बना हुआ है राइट टॉप राइट के ऊपर, इसके बिल्कुल साथ तीन डॉट बने हुए हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है। सेटिंग आ गई, अब यहाँ सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपने नेटवर्क में चले जाना है। नेटवर्क में जब आप जाएंगे तो आप बिल्कुल बॉटम में देखेंगे लिखा हुआ है वाईफाई स्टेशन मोड, आपने इसे इनेबल कर देना है। जैसे आप इसे इनेबल करेंगे यहाँ पे लिखा होगा प्लीज़ सेलेक्ट वाईफाई, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके वाईफाई की लिस्ट आ जाएगी, और इसमें आपके घर का शॉप का जहाँ भी आपने कैमरा लगाया हुआ है ना वहाँ का वाईफाई शो होगा। आपने सिंपली उसके साथ क्लिक करना है और यहाँ पर उसका पासवर्ड देख के सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे आपको कैमरे में से आवाज़ भी आएगी अगर कैमरा आपका सपोर्ट करता हो तो, ठीक है। और कैमरा आपका ऑटोमेटिकली आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा और उसके अपने सिग्नल ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप कहीं भी बैठ के दूसरे शहर में घर में या कहीं भी आप दूर बैठ के मोबाइल डाटा के ऊपर भी अपना रिमोटली एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तरीका। दूसरा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूँ कि जब भी आपने मेमोरी कार्ड इसके अंदर लगाना है V380 के जितनी प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर मेमोरी कार्ड जब आपने लगाना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन बंद कर देनी है। लाइक अभी मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। इस तरह आपने बंद करनी है और इसे दोबारा चलाना है मेमोरी कार्ड लगाने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपने जो एप्लीकेशन दोबारा चलानी है तो जब आपको कैमरा को प्ले करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे बॉटम पे REC लिखा हुआ आएगा, जिसका मतलब रेड कलर का होगा, जिसका मतलब है कि मेमोरी कार्ड में आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। अगर आपके REC लिखा हुआ ना आए तो इसका मतलब है कि आपके मेमोरी कार्ड कोई इशू है या मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करने वाला है, तो वो आप मेमोरी कार्ड अपना कोई अच्छे क्वालिटी का लगाएं ताकि वो इसमें रिकॉर्डिंग कर सके। तो और उसके में आपने क्या करना है, मेमोरी कार्ड जब आपका एक बार आपको पता लग गया कि मेमोरी कार्ड इनेबल हो चुका है हमारा रिकॉर्डिंग कर रहा है, अब आपने क्या करना है, यही ब्लू साइन के साथ ही डॉट में जाना है, सेटिंग में चले जाना है और आप नीचे देखेंगे लिखा हुआ सेकेंड लास्ट पर रिकॉर्डिंग सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
जब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मिलेगा रिकॉर्ड कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग, आपने इसे इनेबल कर देना है। मेरा इनेबल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने मेमोरी कार्ड इंसर्ट नहीं किया। ऊपर आप मैसेज भी देख सकते हैं, नो मेमोरी कार्ड इंसर्ट फाउंड। जैसे ही आप मेमोरी कार्ड डाला होगा आपने, आपको ये इनेबल का ऑप्शन होगा, आप इसे इनेबल कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप इसे इनेबल करेंगे और नीचे वीडियो क्वालिटी पे आपने HD पे इनेबल कर देना है। ठीक है, HD पे इनेबल कर देना है और इससे ये होगा कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है कैमरा वो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करेगा, क्लिप्स नहीं बनाएगा छोटे छोटे, वो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग में आपको दिखाएगा। इसमें कार्ड कितना डाल सकते हैं, कार्ड आप जी 64 GB सपोर्ट करता है और रिकमेंडेड जो होता है वो 32 GB होता है। और 32 GB के अंदर V380 के कैमरे ऑलमोस्ट कोई 2 दिन का बैकअप जो है ना वो स्टोर कर लेते हैं एस्टिमेटेड। ठीक है, तो ये तो थी इसकी सारी सेटिंग क्या हमने कैसे इसे मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करना है। V380 ब्रांड के जो चाइना के वायरलेस वाईफाई कैमरे होते हैं, लाइक बल्ब वाला कैमरा, आउटडोर PTZ कैमरा, बल्ब वाला PTZ कैमरा या बेशुमार इनकी प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको आप इस तरीके से अपने मोबाइल के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब आप क्या करते हैं जी, आपने एक मोबाइल में कर लिया कॉन्फ़िगर, आपने वाईफाई से भी कनेक्ट कर लिया, अब आपके मोबाइल पे चल रहा है। अब आप कहते हैं कि मैंने अपने भाई के मोबाइल में भी करना है। ठीक है, अब अपने भाई के मोबाइल में आपने क्या करना है जी, एप्लीकेशन इंस्टॉल की। सिंपली एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपने एप्लीकेशन ऑन करनी है, ट्राई विदाउट एन अकाउंट और कंटिन्यू करने के बाद जब आपके सामने माई होम की स्क्रीन आएगी इस तरह। ठीक है जी, आप टॉप पे प्लस का साइन देख रहे हैं, आपने इस प्लस के साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऐड डिवाइस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ स्कैन कर सकते हैं, ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिवाइस की आईडी मांगेगा, आपने यहाँ डिवाइस की आईडी देना। आपके कैमरे के नीचे एक आईडी सी लिखी होती है, हर V380 कैमरे के नीचे एक आईडी लिखी होती है, वो आईडी आपने यहाँ पे दे देनी है। मेंशन करके ओके करेंगे, वो आपका कैमरा ऐड हो जाएगा और आप उसे देख सकेंगे। नेक्स्ट वो आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपने वही देना है जो आपने अपने मोबाइल पर सेट किया होगा उसका, जिस तरह मैंने किया admin123@, वह वैसे ही सेट किया होगा, वही पासवर्ड आपने वहाँ पे देना है, तो ये आपके भाई के मोबाइल पे भी ऑनलाइन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की वीडियो देखने के बाद आप खुद से अब अपने वायरलेस कैमरे को कॉन्फ़िगर कर सकेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। या अगर आप प्रोडक्ट कोई बाय करना चाहते हैं या किसी और प्रोडक्ट के बारे में आपका क्वेश्चन है तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह सिक्योरिटी कैमरा से रिलेटेड नई से नई वीडियोज़ और सेटिंग्स इनकी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए वकार अहमद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।